तो जहाँ से हमने पिछला व्लॉग छोड़ा था वहीं से हम ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं चेंज कर आ गई थी डिनर तैयार करने के लिए, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे थे। और वहीं मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया था कि गैस का जो टेम्पर था वो बहुत बुरी तरह से फट गया था और सब जगह कांच ही कांच बिखरा हुआ था। इतनी जोर से चिल्लाई दिया। अच्छा ये बन गया है जी हमारा कोरमा। और ये बिरयानी की प्याज तल कर रख दी हुई है, बाकी सारा सेटअप कर लिया है, गेस्ट आए नहीं है। और लड़कियां डाल ली है रोटी, देखो रोटी सही बन रही है हमारी। हाँ रोटी सही बन रही है, बढ़िया पतली पतली सी, ज्यादा काट लिया। हटो चलो भाई, अब हम असेंबल करेंगे बिरयानी। सबसे पहले हम डालेंगे भर भर के उबले हुए चावल, इसे अच्छे से ऐसे फैलाएं जैसे रायता फैलता है। फिर हम डालेंगे तलेली प्याज। अब हम डालेंगे हमारी अंडे का पापा। नहीं, एक मिनट मसाले दो पहले पैकेट में। ये आप क्या डाल लिया, पीला? ये पीली मिर्ची, मतलब लाल मिर्च की बहन। और अब हम डालेंगे इसमें बिरयानी मसाला जो मैगी मसाला तो दम बिरयानी बनती है चटपटी, ठीक है। अब हम डालेंगे तलेली प्याज थोड़ी सी और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। और बीच में अब जाएगी हमारी एक लेयर। अब हम इसमें डालेंगे अंडे के पापा, चिकन की एक लेयर, अच्छे से इसमें फैला दें। और अब हम इसमें दूसरी लेयर लगाएंगे। अब आप इसमें वापस से वैसे चावल फैलाएं जैसे आपने रायता फैलाया। तली हुई प्याज, ठीक है, और फिर थोड़ा सा मसाला, और फिर बिरयानी मसाला। ये इतनी चटपटी बनती है ना, क्या बताऊँ। थोड़ा सा हरा धनिया फिर से। अब हरा धनिया को ऐसे फेंके जैसे आप पत्थर फेंक रहे हैं। और वापस से जो बची हुई है फिर से एक लेयर लगा दें। इतनी टेस्टी बनती है ना, मैं तो चाट चाट के खाता हूँ। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ मसाला और सारा चिकन का अब डाल देंगे। चिकन के अब इसको चाटेगी परी अपनी शादी में बारिश करवाने के लिए, ठीक है। और वापस से फिर फाइनल लेयर चावल। ये अच्छे से हमने चावल फिर से फैला दिए हैं, हमें बस फैलाना ही आता है। और अब डालेंगे हम ये बची हुई प्याज। ये हमने अच्छे से प्याज भी छुमक दी है इसमें जैसे मम्मी कहती हैं। अब फिर से पत्थर फेंकें, ठीक है। और ये हमने दूध में केसर मिला के रखा हुआ था, है दूध भी डलता है इसमें। हाँ स्टीम लगेगा ना, ये देखो अच्छी से खुशबू के लिए। अब ये भी हमने इसमें पीला पीला पानी डाल दिया। इसी में ही हम केवड़ा पाउडर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे एक ढक्कन केवड़ा। ये वही है जिससे ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होती है, कम भी हो जाए तो भी दिक्कत होती है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जर्दे का कलर जिससे हमारी बिरयानी को अच्छा कलर मिलेगा। याद रखें थोड़ा सा डालें, ज्यादा डालेंगे तो खून खून हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम अपनी बिरयानी में डाल देंगे। कलर तो इसी से आता है बिरयानी का, बाकी कुछ भी कर लो। ये हमने सब जगह फैला दिया है, इसमें तो हमने सच में पानी फैलाया है। और ये जर्दे का कलर स्पेशली हम दिल्ली से मंगवाते हैं, अच्छा यहाँ मिलता ही नहीं है। ये भी हमें फैला देंगे, बस ये डल गया हमारा। और अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा देसी घी, दम लगाने से, यानी इंडिया का घी। चम्मच भरो और फेंक दो, स्वाहा। इतना सारा, ये छोटी छोटी चम्मच है ना। अच्छा तो
तो इसलिए ये देखो ना ये देखो कितनी गहरी, ज्यादा गहरी नहीं है, बस ये डाल देंगे हम, ठीक है। अब इसको ढककर रख देंगे। अब इसको हम कवर करेंगे एक कपड़े से, एक कपड़े से, ताकि ये स्टीम लगे, ठीक है। और अब हम इसको इससे ढक देंगे, प्लेट से, प्लेट से ढक के बिल्कुल कम, 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की गैस पर दम देंगे, दम देंगे। हमारी बिरयानी सैंपल पर ये सारा सामान उठा कर रखो बेटा, फैलाने के बाद मुझसे कह दो सारा सामान उठा के रख लें। चलो ठीक है, मैं ये सामान उठा कर रखती हूँ। और पापा के वो आने वाले हैं? हाँ, लगभग सारा काम हो गया। मैं एक बार इनसे थोड़ा सा कपड़ा मार देगी, तुम सामान उठा के रखो। ओके। मजा आता है गोरी 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 गोरी। तो फ्रेंड्स आप सबकी कैसी रही आज की, आज क्या क्या किया मुझे, हम तो सो गए बताइएगा। और ये भी सो गए और प्रदीप जी भी सो गए, आज नहीं सो रहा था। मैंने भी शायद थोड़ी सी झपकी तो ली थी, क्योंकि थोड़ी सी तबियत हो रही थी, फीवर जैसा लग रहा था। लेकिन उठने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, उठने के बाद तबियत खराब हुई, क्योंकि खाना वाना बनाया ना आपने सब, लेकिन अब काम करने पे, अब मैं तो ऐसे, लेकिन फिर काम करने से ठीक लगने लगा। ये भी अच्छा, वो काजल दीदी टाइम पर आ गई, नहीं तो आप अकेले थक जाती पूरा। तो और ये इतनी मुश्किल से हम लोग चूड़ी ढूंढ के रहे और आपने पहनी भी नहीं मम्मी, क्या? अरे हाँ, मेरी बहनों का है, अब मैचिंग की तो मिली नहीं, लेकिन ये मैचिंग से चल रही है ना। हाँ चल जाएगी, तो पहन लो, पूरी मैचिंग हो गई, तभी तो देख के लाया था मैं। इन्हीं के साथ पहनना, देखा मैं कोई चीज खराब लाऊं कभी। हाँ तो मेरे पास कितनी सारी चूड़ियां रखी हैं। हाँ अच्छे लग रहे हैं आपके हाथ दोनों में, पहनो जल्दी से। ये आपका शबनम कहाँ उड़ रहा है? मैंने क्या कहा? मम्मी आप ना बड़ा सा लॉकेट बनवा लो गोल्ड का, शबनम गहलोत ब्लॉग्स, हम बनवा देंगे। चलो साइज सही है ना, एकदम फर्स्ट तो नहीं रहा। लाओ अब अपने हाथ दिखाओ दोनों, ऐसे ऐसे। हाँ ठीक ठीक, ऐसे ठीक, रुको मैं फोटो खींचना है, ऐसे करो ऐसे। आपके क्या दांत में दर्द हो रहा है? ये अपनी धन्ना रानी को फिर अंदर लिया है। तो भाई अच्छा, तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी टाइम हो रहा है 10:30, लाइक 11:15 हो रहे हैं और हम लोग थक चुके हैं एकदम बहुत ज्यादा। अब तो ऐसा मन कर रहा है बस गिर जाओ। अभी किचन विचन देखना है, थोड़ा खाना वगैरह देखना है, फिर हम लोग कपड़े भी चेंज करके। लेकिन ये अच्छी बात है कि कल संडे है, कल संडे है, कल हम जा रहे हैं, कल हम जा रहे हैं एक जगह भाईजान की मूवी देखने, बता दिया। कल हम जा रहे हैं भाई, ईद का मौका है और भाईजान की मूवी आए और ना देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये क्या हुआ? उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसको सर में दर्द हो रहा है। हाँ तो बस रेस्ट करो। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें, और कोड को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि गिव अवे अभी चालू है। तो मिलते हैं एक और अच्छे से, मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में। मैं करूँगा, मैं करूँ, लाओ लाओ।
तो भाई गिफ्ट आए और परी खोल कर ना देखे, ये तो पॉसिबल नहीं है। गिफ्ट काफी जाइंट है ना, और वो तो परी के मतलब का है, क्या है दिखाओ। चॉकलेट नहीं, कोई स्वीट है ये। हाँ ये स्वीट है, और ये देखो ये सेवइयों से बना हुआ है, ये सेवइयों से बना हुआ है। एक पीस दिखाओ, इसमें गुलकंद लग रहा है ना, ये खाने का मन कर रहा है, जरा निकाल के देखना कैसा है। तो ये था वो गिफ्ट जो गेस्ट लेकर आए थे। तो परी को तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी इसको चेक करने के लिए, और वो गिफ्ट्स आए और परी ना खोले ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें था एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ़ोटो फ्रेम जो हमें बहुत पसंद आया, और ऐसे ही फ़ोटो फ्रेम मैंने अपने गाजियाबाद वाले घर में भी लगाया हुआ है। कभी इस बार जाऊँगी तो अब आपको डेफिनेटली दिखाऊँगी, जहाँ पर मैंने अपने बच्चों के क्यूट क्यूट से जब वो छोटे से थे तब वो फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। कुछ मेरे पुरानी यादें भी हैं, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से यादें लगाएंगे। चलो ये यहाँ पे नहीं था ना, अब इसमें अपने प्यारे प्यारे से फोटो लगा लेना, इनके निकाल के अपने प्यारे प्यारे से फोटो लगा लेना। जो अरे हम जो हर साल ईद पर फोटो खींचते हैं ना, वो सारे फोटो इसमें निकालो। ईद बकरीद, और एक फोटो तो वो वाला लगेगा, जल्दी ही हमारा वो आने वाला है, एक फोटो तो उसका। तो ये देखो ये ईद के मौके पे इस तरह से सेवइयों टाइप की बनाई हुई है, इसमें भर के, और ये अलग है, ये गुलकंद वाली देखनी है मेरे को खा के। टेस्टी है, स्वीट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की थी। मैं अर्श को पूछ रही थी कि टेस्ट करोगे, लेकिन उसकी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, ना ही उसने डिनर किया ना ही कुछ और खाया, दोपहर का जो खाया हुआ था बस वही खाया हुआ था, और उसके बाद उसका सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कुछ एसिडिटी का सा असर हो रहा था। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। Till then, bye bye, Allah Hafiz, take care, और एक बार फिर से ईद मुबारक। हाँ जी, ईद मुबारक एक बार और, bye bye। क्या कह रहे हो? सो जाएं, बंद कर लें, डेढ़ बजे भी ना सोएं, मुंह में घुसाओगे। तो ये था हमारा ईद का पार्ट टू व्लॉग। उसके बाद गेस्ट आए, उन्होंने डिनर किया, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, बच्चे भी हेल्प कर रहे थे, तो इस वजह से शूट भी नहीं किया, और फिर अच्छा भी नहीं लगता ना बार बार शूट करते हुए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलिएगा। और ये हैं कुछ इस बार ईद की कुछ मेमोरेबल पिक्चर जो हमने शेयर की हैं आपके साथ, जो हमेशा ही हम हर ईद पर एक इस तरह से फैमिली फ़ोटोज़, और ये परी की फ्रेंड जो कोई ना कोई ज़रूर एक बार आती है, और ये हर साल आ रही है, और ये कुछ हमारी अपनी पिक्चर्स कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम कहाँ गए थे, नेक्स्ट डे हमने क्या किया था, वो व्लॉग देखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और दुआओं में याद रखना।